कपल विराट और अनुष्का को ब्यूटीफुल सी बेबी गर्ल के जन्म के बाद माँ बाप बनने की खुशी मिली है, जिसे उन्होंने पूरी दुनिया के बीच शेयर किया। विराट ने बताया है कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं, ये बताते हुए कि उनके घर पर एक नन्ही परी आई है। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में अनुष्का ने अपनी बेटी को जन्म दिया है और परिवार ने दिल खोल कर बेटी का स्वागत किया। लेकिन ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल से अनुष्का की तस्वीर जो सामने आई थी विराट कोहली के साथ डिलीवरी से पहले की, उन तस्वीरों को हमने आपके बीच शेयर किया। लेकिन जो वायरल तस्वीर थी न्यू बॉर्न बेबी गर्ल की, तस्वीरें जो अब तक वायरल हुई है, उसे अनुष्का और विराट ने शेयर नहीं किया और ना ही अनुष्का की बेटी की रियल फोटो उनके ब्रदर इन लॉ यानी कि विराट के भाई विकास कोहली ने शेयर किया, बल्कि वो रैंडम क्लिक थी, ये बात विकास कोहली ने शेयर की थी। ये हमने आपको बताया था जब वो काफी नाराज नजर आए। और अब जानकारी आपको देना चाहेंगे कि विकास कोहली के उस क्लैरिफिकेशन के बाद सलीम जावेद नाम के एक शख्स ने जमकर नाराजगी मीडिया के खिलाफ जाहिर की। जब फेक फोटो को वायरल किया गया तेजी से, तो सलीम जावेद ने विकास कोहली की पोस्ट पर जानकारी दी कि इवन आफ्टर क्लैरिफाइंग दे विल डू व्हाट दे नीड टू डू, दे विल डू एवरीथिंग फॉर टीआरपी, मीडिया के लिए सलीम जावेद भड़क उठे। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि इंडिया बांग्लादेश को मिलाने वाले एक गोल्ड मेडलिस्ट है सलीम जावेद, जिनके पोस्ट को आप देख सकते हैं। ये उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है जो हम आपके बीच शेयर कर रहे हैं। ये वही सलीम जावेद हैं जो कि काफी गुस्से में नजर आए हैं फेक फोटो अनुष्का और विराट की बेटी की जब वायरल हुई है। वह तो रिएक्शंस ना सिर्फ उनके बल्कि फैंस के भी आए हैं। हालांकि अनुष्का और विराट अपनी बच्ची की तस्वीर नहीं शेयर किए हैं, अब तक इन्होंने अपनी प्यारी सी बेटी को दुनिया की नजरों से चुरा कर रखा है, छुपा कर रखा है, जिनकी खूबसूरती देखने का हमें भी इंतजार है। तो जैसे ही रियल फोटो आएगी विराट अनुष्का की, हम आप तक शेयर करेंगे। लेकिन तब तक के लिए सच और अफवाह से आप जरूर फर्क समझें। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिल्मों की ऐसी ही तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मुझे यही दीजिए इजाजत। नमस्कार।